हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्लम्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग। और हिस्ट्री में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहले महाजनपद के बारे में देखा था और फिर उसके बाद से हम लोगों ने मगध के राइज और उसके बाद अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर का किस तरीके से अटैक हुआ था उसके बारे में हम लोग देखे थे। तो हम लोग बेसिकली आ चुके हैं नियर अबाउट 600 BC तक और अब हम लोग आगे की डेवलपमेंट को देखेंगे। और आगे के डेवलपमेंट में बेसिकली मौर्यन किंगडम निकल करके आता है। तो फटाफट बात करते हैं मौर्यन किंगडम के बारे में, जिसे कहा जाता है कि इंडिया का लिबरेशन इसने किया था। ये मौर्यास वर द लिबरेटर ऑफ इंडिया, तो एक तरीके से इनको लिबरेटर्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या चीज है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, these are our contact details and these are available courses on YouTube. These are prelims special, mains special and test series based on subscription. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर में ये मौर्यन डायनेस्टी जो है इसके सोर्सेस क्या हैं। हम लोगों ने जब हिस्ट्री का डे वन कर रहे थे उसमें मैंने बताया था कि हिस्ट्री के बेसिकली दो सोर्सेस होते हैं। एक होता है जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, जहां हम लोग खुदाई करते हैं और अल्टीमेटली वहां से चीजों को निकाल रहे होते हैं। दूसरा होता है जो लिटररी टेक्स्ट होता है। समटाइम्स ये लिटररी टेक्स्ट नहीं डेसिफर किया जा पाता है, जिसके कारण से हम लोग इसे प्री हिस्ट्री में रखते हैं। लेकिन जैसे ही ये रीड कर लिया जाता है, डेसिफर कर लिया जाता है, इसको हम लोग हिस्ट्री में लेते आते हैं और इसके बारे में हम लोग स्टडी करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे तो अशोकाज स्क्रिप्ट, अशोक की स्क्रिप्ट जो होती है वो जेम्स प्रिंसिप ने डेसिफर की थी और इस तरीके से हम लोगों ने इसे प्री हिस्ट्री से इसे शिफ्ट कर दिया था हिस्ट्री में, और वही चीज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम लोग पहले लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात किया जाए कि कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेज है, तो बेसिकली हमारे पास उस समय तीन तरीके के सोर्सेज हुआ करते थे। एक होता था जो हिंदू का लिटरेचर, जैसे कि वेद पुराण संत ये सब चीजें हो गई। दूसरी बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड थर्डली जैन लिटरेचर्स होती थी। तो अगर हम लोग हिंदू लिटरेचर के बारे में बात करें तो सबसे पहले कौटिल्य की अर्थशास्त्र आ जाती है। ध्यान रखिएगा, दिस अर्थशास्त्र इज बेसिकली अ पॉलिटिकल बुक। ये जो है पॉलिटिकल या फिर आप बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुक है ये। ठीक है, आगे अगर बात करें तो मेगास्थनीज एक कह लीजिए फिलोसोफर था जो कि बेसिकली बाहर से आया था और उसने इंडिका लिखी हुई थी। इसी तरीके से विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ऑल दो ये जो मुद्रा राक्षस है बहुत बाद में लिखी गई है और फिर भी जो होता है काफी अच्छा इसमें एक मौर्यस के बारे में जो होता है बताया गया है। तो यहाँ पर चीजें देख सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि विशाख दत्त जो होता है वो मौर्यन टाइम पे थे, नहीं, मौर्यन टाइम के काफी बाद में आए हुए थे, ध्यान रखिएगा। ऑल दो इट वॉज रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, इट डिस्क्राइब हाउ चंद्रगुप्त मौर्य गॉड चाणक्यास असिस्टेंट टू ओवरथ्रो नंदास। इसके अलावा पुराण में मिलते हैं, पुराण में इनफैक्ट एक याद रख सकते हैं आप विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में हमें इनके बारे में पता चलता है। तो ये ध्यान में रखिएगा विष्णु पुराण। नेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जातक पोर्ट्रेट, जातक कथाएं बोली जाती हैं, जातक पोर्ट्रेट्स बोली जाती है, जहां पर जो है बेसिकली बुद्धिस्ट रिलेटेड पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट में स्टोरीज बताई जाती थी, जनरल पिक्चर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मौर्यन पीरियड। इसके अलावा बुद्धिस्ट जो लिटरेचर के बारे में बात किए थे, बुद्धिस्ट लिटरेचर दीपावामसा और महावामसा, तो बेसिकली ये अगर हिंदी में देखेंगे दिस इज दीप वामसा और दूसरा है आपका जो महावामसा है। तो ये दोनों के दोनों टेक्स्ट लिटरेचर्स हैं जहां पर हमें चीजों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा एक और टेक्स्ट है बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसको बुलाता है दिव्य वदान। ठीक है, दिव्य वदान, दिस इज इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, दिव्य वदान के बारे में ध्यान में रखना है इसे। ठीक है, इसके अलावा ऐसे ही एक दिस इज द तिब्बतन, देखिए यहां पर लिखा हुआ है दिव्य वदान गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अशोका एंड इट्स एफर्ट टू स्प्रेड बुद्धिज्म। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और जैन लिटरेचर है, एंड दैट दिस जैन लिटरेचर इज बेसिकली परिशिष्ट पर्वन। यहां पर देख लेते हैं, दिस इज परिशिष्ट पर्वन, ये ध्यान में रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज परिशिष्ट पर्वन। इसको लिखा गया था हेमचंद्र के द्वारा, दिस हेमचंद्र। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है अगेन। इनफैक्ट एक स्टोरी और भी होती है मौर्यास के लिए कि आखिर में इनका नाम मौर्य क्यों पड़ा। एक्चुअल में क्या था, ये मोर पालते थे, मोर इन द सेंस कि पीकॉक जो है वो पालते थे, तो दे वर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द पीकॉक एंड दैट इज वाई दे वर नेम्ड
आफ्टर द मोर या जो भी पिकक है उसके बेसिस पे ये नाम रखा गया इनका मौर्य, और इस तरीके से बेसिकली एक इसके पीछे की हिस्ट्री समझ में आती है। यहां पर आखिर में ये जो लिटरेरी सोर्सेज हम लोग देखे हैं उसके बेसिस पे क्या हम लोग ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस वर्ण सिस्टम में, वर्ण सिस्टम जो कि 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद में लिखा हुआ है, किस वर्ण में आते थे? क्या ये ब्राह्मण थे या फिर क्षत्रिय थे या वैश्य थे या शूद्र थे? तो यहां पर देखिए ब्राह्मण और वैश्य में तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर कंट्रोवर्सी है कि ये शूद्र थे या फिर क्षत्रिय थे। तो जितने भी हिंदू लिटरेचर्स हैं जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र हो गई, मुद्रा राक्षस हो गई, विष्णु पुराण हो गई, तो इन सबों में इनको बोला गया है कि ये शूद्र थे, ठीक है। लेकिन बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर में बोला गया है कि ये क्षत्रिय थे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये मोस्ट वैलिडेटेड या मोस्ट एक्सेप्टेड जो आज की डेट में फैक्ट है वो है कि ये क्षत्रिय हुआ करते थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो कई सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी मिल जाते हैं, जिसमें से द इंपॉर्टेंट वंस आर द अशोकास, जो भी रिलिक्स हैं उसके बारे में हमें मिल जाती है, जैसे पंचमाउंट पॉइंट्स हो गई, यहां से भी हमें पता चलता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य कि जो पाटलिपुत्र है वहां का जो वुडन पैलेस है। अच्छा, एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है वो भी अगेन ध्यान में रखिएगा, हमारे पास मौर्य में तीन राजा बेसिकली इंपॉर्टेंट राजा हैं, ऑल्दो काफी बड़ी डायनेस्टी है बट तीन इंपॉर्टेंट राजा आते हैं। एक आता है जो चंद्रगुप्त मौर्य, CGM चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बनता है राजा बिंदुसार, ठीक है। दिस इज नॉट बिंबिसार, इज डिफरेंट, बिंदुसार राजा रहता है ये। बिंदुसार के बाद नेक्स्ट राजा आता है अशोक, और अशोक के बाद तो छोटे मोटे राजा आते रहते हैं, और लास्टली जो होती है बृहद्रथ आ जाता है। यहां पर अगर आर्कियोलॉजी वाइज बात करें, सॉरी यहां पर अगर हम लोग थोड़ी से अगर इसके पैलेस के बारे में बात करें तो बिंदुसार या फिर अशोक से जस्ट पहले तक जितने भी पैलेस या जो कुछ भी बनाया जाता था, जितने भी इंजीनियरिंग काम किए जाते थे, वो बेसिकली वुडन किए जाते थे, उसमें वुडन होती थी। साथ ही साथ अगर बात करें तो थोड़ी मोड़ी ब्रिक का भी कल्चर देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही अशोक आता है यहां पर बेसिकली कह लीजिए कि स्टोन फॉर्मेट में हमें चीजें देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली पत्थरों से, स्टोन्स से जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है वो बनवाया था, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये एक यहां पर अच्छा खासा आर्ट एंड कल्चर का एक आप डिफरेंशिएशन देख सकते हैं कि किस तरीके से कल्चरल डिफरेंस बेसिकली आर्ट में देखने को मिल जाती है। तो बस वही चीज है कि वुडन पैलेस जो होती है वो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे देखने को मिलती है, और वहां से भी पता चलता है हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में। इसके अलावा NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी का एक कल्चर मिलता है, और लास्टली जो होती है अशोक के जितने भी एडिक्स और इंस्क्रिप्शंस है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हमें नियर अबाउट 14 रॉक एडिक्स के बारे में बात करना है जो बड़े बड़े थे, बिग रॉक एडिक्स। इसके अलावा 7 पिलर्स के बारे में बात करना रहेगा, और इसी तरीके से हम लोग केव इंस्क्रिप्शन के बारे में भी बात करेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट केव्स है, एक है बराबर केव, दिस इज बराबर केव, जिसमें अगेन दो और डिफरेंट टाइप ऑफ केव बनाए गए, और दूसरा केव जो है वो नागार्जुनी केव हमें मिलती है। नागार्जुनी केव में अगेन 3 टाइप ऑफ केव हमें देखने को मिलती है, जहां पर हम लोग देखेंगे लोमर्शी वगैरह केव के बारे में, उसके आर्कियोलॉजिकल जो भी उसकी जो आर्ट एंड कल्चर है उससे रिलेटेड चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो ये 14 बिग रॉक एडिक्स है उसके भी डिटेल्ड चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ में पिलर के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहां पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूंगा जिसके माध्यम से आप ये 14 को और साथ ही साथ ये 7 को याद कर लेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही एक छोटी सी स्टोरी रहेगी और उसी स्टोरी के माध्यम से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब हम जरा स्टार्ट करते हैं फटाफट मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में अगर स्टार्ट किया जाए तो पहले थोड़ा सा आपको एक आइडिया ले लेना चाहिए कि इससे जस्ट पहले क्या चल रही है, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी जब भी आएगी उससे पहले आपको एक बैकग्राउंड जरूर क्लियर होना चाहिए। हम लोगों ने लास्ट क्लास में, इन लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंद डायनेस्टी के बारे में देखा था। इनफैक्ट नंद डायनेस्टी से जस्ट पहले हम लोगों ने शिशु नाग के बारे में बात किया था, और फिर हम लोगों ने बात किया हुआ था इससे पहले हर्यक डायनेस्टी के बारे में, और ये सारी डायनेस्टीज बेसिकली मगध के बारे में हम लोगों ने बात किया था। हम लोगों ने देखा था कि मगध काफी ज्यादा पावरफुल एक किंगडम के रूप में निकल करके आ गया था, और यहां पर इस समय तक्षशिला जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। इस हर्यक डायनेस्टी में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट राजाओं के बारे में बात किया था, जहां पर हम लोगों ने अलग अलग बिंदुसार हो गया, अजात शत्रु हो गया,
और बृहद्रथ, मतलब हम लोगों ने फिर चीजें देखी थी। अल्टीमेटली शिशुनाग आ जाता है, शिशुनाग के बारे में हम लोगों ने देखा था, और फिर काक वर्ल्ड के बारे में बात किया था या कालाशोक के बारे में बात किया था। फिर हम लोग नंद वंश में आ गए थे, नंद डायनेस्टी में आ गए थे, और यहां पर महापद्म नंद के बारे में बात किए थे, और लास्टली हम लोग घनानंद के बारे में देखते हैं। तो घनानंद वॉज द लास्ट रूलर, और इसी के टाइम पे 325 बीसी में जितने भी ग्रीक्स हैं उनका अटैक हुआ था, ग्रीक्स बोल दीजिए या फिर जो भी यहां बाहर से लोग आए थे, जैसे सिकंदर आया हुआ था, अलेक्जेंडर वो आया हुआ था, तो अटैक ये देखने को मिल जाता है। अब ये जो अटैक करता है, इसके अटैक के कारण से जितने भी एक्सटर्नल अटैक्स हैं या आउटसाइडर्स जितने भी हैं, वो अब कंटिन्यूअसली इंडिया को इन्वेड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब इंडिया के बारे में बाहर के लोगों को काफी ज्यादा चीजें पता चल जाती हैं। तो कंटिन्यूअस इन्वेजन देखने को मिलता है एक्सटर्नल फोर्सेस का। द लास्ट रूलर ऑफ द नंद रूलर धनानंद वॉज हाईली अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स ऑप्रेसिव टैक्स रिजीम। से होता क्या है कि जो धनानंद रहता है, एक्चुअली क्या होता है कि इसको पुश्तों से या जो भी इसके फादर मदर रहते हैं उनके थ्रू इनको एक अच्छी खासी डायनेस्टी मिल जाती है, एक डेवलप्ड और एक कह लीजिए कि कंट्रोल्ड डायनेस्टी मिल जाती है। जब भी कोई चीज कंट्रोल्ड मिल जाती है ऑब्वियसली उसको किसी की कदर नहीं होती है, उसका वो सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि घनानंद हालांकि होता तो ये काफी ज्यादा पावरफुल है, बट स्टिल ये सही से रूल नहीं करता, और कहीं ना कहीं इसके मन में एक एटीट्यूड की भावना आ चुकी होती है, जिसके कारण से अगेन इसकी जो एम्पायर है वो कहीं ना कहीं अगेन जो है अब फॉल डाउन शुरू हो जाएगा। तो इस फॉल डाउन के चक्कर में ये क्या करता है कि जो भी टैक्स कल्चर बेसिकली रहता है, उस टैक्स को ये काफी ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा फोर्सफुल तरीके से लेना शुरू कर देता है, जिसके कारण से अगेन जो जनता रहती है, जो प्रजा रहती है, जो पब्लिक रहती है, वो इस घनानंद के अगेंस्ट में हो जाती है, और कंटिन्यूअसली ये खोजती है कि कोई नया रूलर आए जो कि हमें इस ऑप्रेसिव स्कीम से, इस टैक्स रिजीम से हमें छुड़ा करके ले जाए। और अल्टीमेटली मौर्याज आते हैं, और मौर्याज को इसी वजह से लिबरेटर ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने इस तरीके के टैक्स रिजीम से इसको बाहर से छुटकारा दिलवाया हुआ था। क्लियर हो गया। Also, post Alexander invasion of Northwest India, the region faced a lot of unrest from the foreign powers. अब देखिए, ये तो हो गई internal स्थिति जो कि हम लोगों ने बात किया, और external स्थिति, external position के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है उस समय Alexander की invasion हुआ था, और Alexander ultimately वापस लौट गया था, और ultimately इसकी death हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? बगदाद में। हम लोगों ने इसके बारे में already discuss कर चुके हैं। They were ruled by the Indo-Greek rulers. तो चंद्रगुप्त with the help of intelligent political ब्राह्मण कौटिल्य सब द थ्रोन बाय डिफीटिंग धनानंद इन 321। अभी बात करते हैं इसके बारे में, फिलहाल जरा देख लेते हैं अलेक्जेंडर को लेकर के। अलेक्जेंडर को लेकर के मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये एक मैप दिया था, जहां पर मैंने बताया था कि मैसेडोनिया से ये आगे बढ़ता है एशिया माइनर, और एशिया माइनर से फिर ये पर्शिया पे अटैक करता है, और इस पर्शिया के अटैक करने से पहले बेबीलोन, असीरिया, आर्मीनिया, मीडिया, बैक्ट्रिया, इन सब पे ये कैप्चर कर लेता है। अल्टीमेटली इंडिया में आता है, इंडिया में हाइडेस्पीज और बहुत सारे वॉर लड़ता है, और अल्टीमेटली जब ये व्यास रिवर के पास में पहुंचता है तो अल्टीमेटली जो होता है ये हार चुका होता है, इसकी आर्मी जो है पूरी तरीके से गिव अप कर देती है, और ये कहती है कि आई वॉन्ट टू गो बैक, मैं रिटर्न होना चाहता हूं। तो अल्टीमेटली ये लोग मुल्तान होकर के वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, बट यहाँ मुल्तान में भी एक यहाँ के जो ट्राइब्स होती हैं वो इनको एक रिपल्जन देती है, और अल्टीमेटली यहाँ पर वॉर होती है। ऑल दो ट्राइब्स वॉर हार जाती हैं, सिकंदर जीत जाता है, लेकिन फिर भी जैसे ही वो पहुंचता है बेबीलोन या फिर कह लीजिए यहाँ पर बगदाद के पास में पहुंचता है, यहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में अब क्या होगा, कोई नया रूलर तो है नहीं, तो नया रूलर ना होने के कारण से जो भी इसके कमांडर थे, इसके कमांडर के बारे में हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया ही था कि एक था सेलिकस निकेटर हो गया, निर्याकस हो गया, एंटीगोनस हो गया, तो बहुत सारे यहाँ पर जो है उसके कमांडर्स थे। इन कमांडर के बीच में आपस में ही फिर थ्रोन को लेकर के वॉर होना शुरू हो गया, और अल्टीमेटली सेल्यूकस निकेटर जो रहता है वो इस वेस्टर्न टेरिटरी का, कौन सी वेस्टर्न टेरिटरी, ये वाली जो पूरी वेस्टर्न टेरिटरी है, इस वेस्टर्न टेरिटरी पे ये अपना पूरा का पूरा अधिकार कर लेता है, अपना ये एरिया कैप्चर कर लेता है। बाकी जो एंटीगोनस रहता है वो इस साइड में आ जाता है, और बाकी इसी तरीके से अलग अलग इलाके में अलग अलग लोग इस तरीके से आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये पूरी पोजीशन चल रही है जो बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में चल रही है,
ये एक्सटर्नल वर्ल्ड की कहानी है, जहां पर अगेन वर्ल्ड जो होती है, जो पहले एक एम्पायर के फॉर्मेट में था, वो टूट करके अगेन डिसइंटीग्रेट हो गया है और अलग अलग कमांडर, अलग अलग रूलर बन करके बैठे हुए हैं, जिसमें से इंडिया के जो सबसे नजदीक में है वो है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, और ऑब्वियसली ये सेल्यूकस निकेटर अगर इंडिया के जस्ट बगल में है तो ऑब्वियसली ये फिर इंडिया में अटैक करेगा ही करेगा। इसके पीछे दो रीजन है, एक इसके खुद के एम्बिशंस, खुद के ये एम्बिशंस रखता है कि भाई इंडिया को कॉन्कर किया जाए। दूसरा, इसने अलेक्जेंडर को यानी सिकंदर को एक प्रॉमिस किया रहता है कि हाँ ठीक है अभी वापस चलते हैं, बट समहाउ मैं वापस आऊंगा, मतलब कि सेल्यूकस निकेटर को बोलता है कि तुम वापस आना और अल्टीमेटली इंडिया को इन्वेड करना, इंडिया को कॉन्कर करना, इस तरीके की प्रॉमिस सेल्यूकस किया रहता है। तो कहीं ना कहीं सेल्यूकस के दिमाग में दोनों बातें रहती हैं, एक तो पर्सनल एम्बिशन और दूसरी जो अलेक्जेंडर को ये प्रॉमिस किया रहता है, और इसी वजह से सेल्यूकस वापस इंडिया को एक तरीके से कैप्चर करने के लिए बाद में आता है। क्लियर हो गया। अब हम जरा बात कर लेते हैं मौर्यन एज के बारे में। यहां पर क्या होता है कि चाणक्य एक व्यक्ति रहता है जिसके बचपन का नाम रहता है विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त रहता है, ये एक ब्राह्मण रहता है, ठीक है, तो दिस वॉज अ ब्राह्मण, और ये एक्चुअली क्या है, तक्षशिला में पढ़ा रहता है। तक्षशिला में पहले तो पढ़ा रहता है और फिर पढ़ाने लगता है, मतलब कि ये टीचर बन जाता है तक्षशिला का। तो तक्षशिला से बेसिकली दो लोग पढ़े रहते हैं, इंपॉर्टेंट है अभी तक जो हम लोगों ने देख लिया। एक देखा हम लोगों ने जो चाणक्य है बेसिकली, जो पढ़ा रहता है यहाँ तक्षशिला से। दूसरा पढ़ा रहता है जीवक। जीवक वही है जिसको बिंबिसार ने भेजा था अवंती के राजा प्रद्योत को इलाज करने के लिए, उसको कोरोना हुआ रहता है ना, तो कोरोना के थ्रू जो होता है वो जीवक को भेजता है और इलाज करके इस तरीके से दोनों आपस में रिलेशन मेंटेन कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों ने पुराने क्लासेस में देख रखा है। ओके, होता क्या है यहाँ पर, जो चाणक्य रहता है, चाणक्य के बारे में थोड़ी सी पहले जानकारी ले लीजिए। चाणक्य के जो पिताजी रहते हैं, मतलब इनका जो फादर रहता है, उनका नाम रहता है चाणक्य, महर्षि चाणक्य, ठीक है, चाणक्य से चाणक्य आप बोल सकते हैं। इनका एक नाम रहता है विष्णुगुप्त, इसके अलावा एक और नाम रहता है इनका कौटिल्य। और कौटिल्य के पीछे क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं बड़े शार्प माइंड के रहते हैं, जैसे कहा जाता है ना पॉलिटिक्स में चाणक्य, तो वो चाणक्य जो होता है बेसिकली जो है कौटिल्य, मतलब कुटिल बुद्धि के रहते हैं। कुटिल इन द सेंस कि बहुत ज्यादा ये पॉलिटिकल पोजीशन दिमाग में रखे रहते हैं। तो ही वाज अ टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, हु वाज आल्सो चीफ मिनिस्टर इन हिज रीम। अच्छा, एक चीज यहां पर ये आपको कौटिल्य वाली चीज पता चल गई। इसके अलावा कुछ और भी इनके नाम थे, जैसे वात्स्यायन हो गया, या फिर कात्यायन भी बेसिकली इनके नाम थे। दो इंपॉर्टेंट और भी नाम है, इसके अलावा अंशु, अंगुल, अंशु, बहुत सारे नाम्स हैं, तो इतना याद है आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है जो आपको ध्यान में रखना है। समटाइम्स क्वेश्चन में भी आस्क कि यहां पर क्या इनका नाम था। होता क्या है कि चाणक्य को एक आइडिया लग जाता है कि जितने भी ग्रीक्स हैं वो अटैक करने वाले हैं तक्षशिला पे, और इस कारण से चाणक्य जो है भाग करके आता है मगध के राजा, उस समय कौन रहता है मगध का राजा, उस समय मगध का राजा रहता है घनानंद। इस घनानंद के पास बेसिकली आता है चाणक्य और कहते हैं कि भाई मगध, यू आर हैविंग अ पावरफुल एम्पायर, और आप इन ग्रीक अटैक को रोक दीजिए, अदरवाइज हमारा जो ये यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, ये कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो राज्य है बेसिकली जो गांधार है वो ग्रीक के साथ में मिल चुका है। हम लोगों ने देखा भी था कि अलेक्जेंडर के साथ में ये मिल गया था, तो ये मिल चुका है, और तक्षशिला का कहीं ना कहीं जो होता है एक फ्यूचर जो है वो डार्क में है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए इसको रोक दीजिए। तो मगध जो धनानंद रहता है वो ऑलरेडी एटीट्यूड में रहता है, वो कहता है कि नहीं, जब इंडिया पे अटैक से मुझे मतलब नहीं है, जब वो मगध पे अटैक होगा तो मैं देखूंगा आगे जा करके। और इस तरीके से चाणक्य की वो बेइज्जती करके उसको बाहर भगा देता है, मतलब कि जो भी आसपास इसके जो द्वारपाल रहते हैं उनको कहता है कि इसको लेकर के बाहर चले जाओ। इस तरीके से जो चाणक्य रहता है वो उसको जब इस तरीके की ह्यूमिलिएशन हो जाती है तो वो कहते हुए जाता है कि मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। तो अल्टीमेटली वो जाता है और ये तक्षशिला को छोड़ करके, मतलब कि जो मगध से बाहर निकलता है, आपको पता ही है कि मगध का इलाका क्या है, मगध को जैसे ही ये बाहर निकलता है, मगध को क्रॉस करके वो एमपी के पास में चला जाता है, विंध्याचल में। विंध्याचल के पहाड़ियों से जैसे ही, विंध्याचल हिल्स के पास से जैसे ही वो गुजर रहा होता है, वहां पर एक छोटे से, मतलब एक लड़के को देखता है, और ये लड़का बेसिकली जो होता है शेर के साथ खेल रहा होता था। तो इस गेम को बोला जाता था राजकीलम। राजकीलम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम कहानी सुनते जाइए। तो ये बेसिकली
शेर के बच्चे के साथ में खेल रहा होता था, तो इसको देखता है तो कौटिल्य को, इनफैक्ट चाणक्य को, ये लगता है कि आई कैन ट्रेन दिस बॉय एंड आई कैन मेक दिस बॉय अ वॉरियर। तो बेसिकली इस वॉरियर को तैयार कराने के लिए ये इस बॉय को अल्टीमेटली खरीद लेता है। मतलब यहाँ पर कुछ पैसे वैसे दिए आता है, मतलब नियर अबाउट बुक्स में ऐसा लिखता है कि 1000 पड़ दे करके, पड़ का मतलब हो गया कि वहां की करेंसी, जैसे आज की डेट में रुपया चलती है वैसे ही उस समय पड़ चलता था, 1000 पड़ दे करके इसको खरीद करके लेकर के जाता है, कहां पर, तक्षशिला में लेकर के जाता है और वहां पर इसको 7 से 8 साल बेसिकली ट्रेनिंग देती है और ये चंद्रगुप्त मौर्य ट्रेन होकर के फिर अल्टीमेटली जो होती है आगे मगध पर अटैक करेगा। तो मगध पर अटैक करेगा कब, क्या करेगा, क्या करेगा, अभी हम लोग जरा स्टोरी को पॉज करते हैं और देखते हैं हमारे स्लाइड्स में क्या कुछ है। तो ब्राह्मण बाय बर्थ ही वॉज अ टीचर एंड स्कॉलर एट तक्षशिला, ओल्डर नेम जो है इसका विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। ही वॉज ऑल्सो अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार, ठीक है। ही इज क्रेडिटेड टू बी द मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बिहाइंड द सर्जिंग ऑफ द नंद थ्रोन एंड द राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर थ्रू हिज स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य। ही रोट अर्थशास्त्र एंड जहां पर जो होता है स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमीज एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में बात की गई है। इस अर्थशास्त्र के बारे में भी हम लोग और थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे अपने जब भी चलेगा आगे। तो अर्थशास्त्र वॉज री डिस्कवर्ड बाई आर शमास्त्री इन 1905 आफ्टर इट हैड डिसअपीयर्ड इन द 12th सेंचुरी, नॉट एज सच इंपॉर्टेंट, बस ध्यान में रखिएगा क्या चीज है। अगर इनके वर्क के बारे में बात करें तो नियर अबाउट 115 बुक्स इन्होंने लिखी हुई है, 180 चैप्टर्स एंड द मेन थीम इज कहां कहां, तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही आपको सारे इनके वर्क दिखेंगे जो भी लिटरेचर इन्होंने लिखा है, जैसे किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, अगेन इट इज रिलेटेड विद द पॉलिटिकल थ्योरी, अगेन सिविल और क्रिमिनल लॉ, डिप्लोमेसी, इन सब के बारे में, मतलब सारी जो होती है इनकी पॉलिटिकल स्टोरीज के बारे में ही इसमें लिखा गया है। क्लियर हो गया। इट ऑल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेड एंड मार्केट, अ मेथड टू स्क्रीन मिनिस्टर स्पाइज, ड्यूटीज ऑफ ए किंग, एथिक्स, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मेटलर्जी, मेडिसिन, फॉरेस्ट, तो बहुत सारी चीजों के बारे में यहां पर बात किया गया। इनफैक्ट अगर थोड़ी थोड़ी चीजों को अगर देखें तो इस बुक में, मतलब चाणक्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, उसमें स्पाइस के बारे में बात किया गया और इसको बोला गया है महामात्यप सर्प। इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे, महामात्यप सर्प, ये ध्यान में रखिएगा। सर्प का मतलब सांप है और सांप का मतलब क्या होता है कि भाई सीधी सी बात है कोई ना कोई एक ऐसा बंदा है जो इस तरीके का काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो इसमें और भी कुछ चीजों के बारे में बात किया गया है, जैसे टैक्सेस के बारे में बात किया गया था और टैक्सेस का मतलब कि ये 1/6 जो होती है, जो भी क्रॉप कल्टीवेशन हुई है, जो हार्वेस्ट हुई है, उसका 1/6 जो होता है बेसिकली टैक्स के फॉर्मेट में, ऐसा बताया गया है अर्थशास्त्र में। ऑल्दो ये वैरी करता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य 1/4 टैक्स कलेक्ट करता था, बट ये वैरी करती है, बट अर्थशास्त्र में अगर बात करेंगे तो 1/6 बताया गया है। क्लियर हो गया। इसके अलावा जो होता है चाणक्य को मैकियावेली भी बोला जाता है, तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन मैकियावेली। मैकियावेली फॉरेन के, मतलब कि बाहर के जो है वो एक पॉलिटिकल कह लीजिए फिलोसोफर थे, तो काफी इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली की थ्योरी काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट एज में चलती है, काफी एक्सट्रीम सिद्धांतों के ये बंदे थे, ठीक है। आगे अगर आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस तरीके से आपको स्टोरी मैंने बता दिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की ट्रेनिंग हो चुकी है और ट्रेनिंग करने के दौरान में 5 to 7 ईयर या 7 to 8 ईयर जितनी भी साल ट्रेनिंग हुई है, कहां पर, तक्षशिला में ट्रेनिंग होती है और ये अब बन चुका है पूरा वॉरियर। अब ये वॉरियर बनने के बाद अल्टीमेटली कहता है कि चलो अब चलते हैं मगध पे अटैक करते हैं, तो ये सीधे आता है और मगध पर अटैक कर देता है। लेकिन अटैक करता है तो सीधे सीधे मगध, भाई इतना छोटा मोटा तो है नहीं, स्ट्रांग आर्मी है, एक कह लीजिए कि जो होता है वो ट्रेन्ड आर्मी है और कैटेगराइज्ड आर्मी है। इस कारण से ये जैसे ही आता है तो इसको डिफीट मिलती है, ये हार जाता है। जब हार जाता है तो उसके बाद से जब ये रिटर्न हो रहा होता है, तो ऑब्वियसली मैंने आप लोग को बताया कि जब ये धनानंद के टाइम पे जो पब्लिक थी इसकी वो काफी ज्यादा ऑप्रेस्ड थी, धनानंद से बहुत ज्यादा परेशान थी, तो जब ये रिटर्न हो रहा होता है तो एक घर में खाना खाने के लिए रुकता है, तो बेसिकली जब ये खाना खा रहा होता है तो जब प्लेट में इसको ऐसा स्टोरीज में मिलता है, स्टोरीज में कौन कौन से स्टोरीज, एक बुद्धिस्ट स्टोरी है, लिटरेचर का नाम है महाबोधि वंश, दिस इज महाबोधि वंश, ये एक लिटरेचर है, और इसी तरीके से जैन लिटरेचर भी है, परिशिष्ट पर्वन, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा ही है, परिशिष्ट पर्वन,
इन दोनों में अलग अलग स्टोरीज लिखी हैं, बट दोनों का जिस्ट ऑफ द जो भी स्टोरी है वो एक ही है। इसमें ये रहता है कि थाली में इनको दे दिया जाता है खिचड़ी, दे दिया जाता है, और खिचड़ी क्या है कि बीच से ही खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि या तो चंद्रगुप्त मौर्य खुद खा रहे थे, या जो महिला रहती है वो अपने बेटे को खिला रही होती है, और बेटा जो है डायरेक्टली बीच से सेंटर प्लेस से खाना शुरू कर देता है, जिसके कारण से उसका मुंह जल जाता है। और फिर महिला बोलती है कि तुम यार चंद्रगुप्त की तरह एकदम बेवकूफ आदमी हो, तुमको पहले साइड साइड से खाना चाहिए और फिर जाकर के सेंटर में आना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारा मुंह जलेगा ही जलेगा। यहां से जो चंद्रगुप्त मौर्य रहता है इसको अपनी गलती पता चलती है कि यार कि व्हाट मिस्टेक ही हैड डन। और अल्टीमेटली ये क्या करता है कि पहले इंडिया को कॉन्कर करने के लिए, मतलब मगध पे अटैक करने के लिए, सबसे पहले वो सिंध पे अटैक करता है। सिंध पे अटैक करने के बाद फिर वो पंजाब पे अटैक करता है। पंजाब पे अटैक करने के बाद फिर जाकर के वो मगध पे अटैक करता है। तो जब मगध पे अटैक कर रहा होता है, वहां पर मगध का जो कमांडर रहता है उसका नाम रहता है भद्रसाल। तो इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, कमांडर का नाम है भद्रसाल। और ये भद्रसाल को अल्टीमेटली जो होता है हरा देता है, और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश का, नंद डायनेस्टी का एंड कर देता है और मौर्यन डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर देता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो ओरिजिन है वो श्रॉड इन द मिस्ट्री द ग्रीक। अच्छा, ग्रीक के सोर्सेज भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहां पर अब ग्रीक्स जो है वो आना शुरू कर चुके हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, चंद्रगुप्त का ग्रीक जो सेल्यूकस निकेटर है उसके साथ में वॉर हुआ रहता है। नंबर थ्री, ग्रीक जो सेल्यूकस निकेटर है इसकी डॉटर के साथ में चंद्रगुप्त की शादी भी हुई रहती है। तो इस वजह से ग्रीक सोर्सेज में चंद्रगुप्त जो है वो काफी मेंशन्ड मिलते हैं, और इनका जो नाम मिलता है वो मिलता है सेंड्रकोट्स। तो ये बेसिकली इनका नाम मिलता है सेंड्रकोट्स। कई सारे नाम मिलते हैं, जैसे सेंड्रकोट्स मिलते हैं, एंड्रकोट्स मिलते हैं, सेंड्रकोप्टस मिलता है। तो नाम भी अगेन जो है आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। आगे अगर बात किया जाए तो देखिए, इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट ही वाज बोर्न इन अ ऑर्फनेज्ड बॉय इनटू अ हम्बल फैमिली, वाज ट्रेन्ड बाय कौटिल्य। ग्रीक अकाउंट्स मेंशन हिम एज सेंड्रकोट्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, सेंड्रकोट्स या सेंड्रकोप्टस या सेंड्रो एंड्रोकोट्स। तो अलग अलग नाम होते हैं और ये सारे के सारे ग्रीक नेम ही इनके हैं। अलेक्जेंडर हैज अबैंडन्ड हिज इंडिया कॉन्क्वेस्ट इन 324 BC एंड विद इन अ ईयर चंद्रगुप्त हैड डिफीटेड सम ऑफ द ग्रीक रूल्ड सिटीज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। कौटिल्य प्रोवाइडेड द स्ट्रेटजी व्हाइल चंद्रगुप्त एग्जीक्यूटेड इट, इट हैड रेज्ड अ मेसनरी आर्मी ऑफ इट्स ओन। तो ये बेसिकली देख सकते हैं कि पूरा का पूरा चंद्रगुप्त का एरिया हो गया। और इसके पीछे जरा एरिया के बारे में जरा समझिएगा, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। चंद्रगुप्त का एरिया जो बेसिकली रहता है, ये देखिए, ये एक पार्ट छूटा हुआ है जिसका नाम है कलिंग, और ये कलिंग वही है जहां से हाथी गुम्फा रेलिक मिला हुआ था, इसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे। साउथ की टेरिटरीज भी छूटी हुई रहती हैं, और इस समय यहां पर आ जाता है संगम, दिस इज द संगम। लेकिन अभी भी यहां पर ट्राइबल्स ही रह रहे होते हैं, यहां पर अभी कोई एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में चीजें नहीं आई हैं। चंद्रगुप्त का ऑल द जो एरिया होता है केवल इतना ही रहता है, ये एरिया बेसिकली सेल्यूकस का रहता है। सेल्यूकस के बारे में हम लोगों ने अभी लास्ट मतलब अभी डिस्कस किया ही था सेल्यूकस के बारे में, कि अल्टीमेटली जब अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है तो सेल्यूकस जो होता है वो ईस्टर्न पार्ट ले लेता है। सेल्यूकस के अंदर वही एम्बिशंस और अलेक्जेंडर को जो प्रॉमिस किया रहता है उसको सोच करके अल्टीमेटली फिर से अटैक करता है। अटैक करता जरूर है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इसको यहीं पर रिपल्जन कर देता है, रोक देता है, और अल्टीमेटली सेल्यूकस हार जाता है। इस सेल्यूकस के हार जाने के कारण से ऑब्वियसली ये अपने जितने भी आसपास का एरिया रहता है, अब ये एरिया कौन कौन सा है, अगेन जरा ध्यान से समझने वाली चीज है। यहां पर देखिए कांधार है, कांधार का नाम उस समय होता है अराकोशिया। तो ये जो अराकोशिया है, अराकोशिया ये दे देता है अगेन चंद्रगुप्त को। इसके अलावा एरिया ये दे देता है, ARIA एरिया दे देता है। इसके अलावा जेड्रोशिया, हम लोग बात किए थे जेड्रोशिया के बारे में, कि जेड्रोशिया से होकर के ही बेसिकली सबसे पहले साइरस वन आया था, लेकिन वापस फिर रिटर्न हो गया था, क्योंकि उसको अच्छी खासी जो होती है एक रिपल्जन एक तरीके से मिल गया था कि अटैक कर पाना आगे मुश्किल है। इसके अलावा काबुल का एरिया मिल जाता है जिसको पेरिशिनाशाई कहा जाता है। तो ये हम लोग आगे भी देखेंगे भी इनका नाम सारा। तो जब यह हार जाता है तो ये सारे एरियाज बेसिकली चंद्रगुप्त को दे देते हैं, और चंद्रगुप्त का एरिया जो एम्पायर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, सेल्यूकस की जो डॉटर रहती है उसका नाम रहता है हेलेना। तो इस हेलेना के साथ में भी इसकी शादी हो जाती है। अगेन शादी मैरिज क्यों की जाती है, ताकि रिलेशन मेंटेन हो जाए।
इस रिलेशन मेंटेन होने के कारण से ऑब्वियसली जो इंडिया का अब जो भी ट्रेड या जो कुछ भी रिलेशन मेंटेन होगा वो अब ग्रीक के साथ में एक रिलेशन मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगेन जिस तरीके से आज की डेट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास मतलब इंडिया में भी एक इटालियन महिला है और कंटिन्यूअसली उनका क्रिटिसिज्म किया जाता है, उनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सिमिलरली हेलेना को भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया था इस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। हालांकि जो होता है आगे जा करके धीरे धीरे ग्रीक के साथ भी रिलेशन खराब हो जाता है और इस तरीके से जो बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेज वो इंडिया में फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। चंद्रगुप्त के बाद इसका जो बेटा होता है बिंदुसार के टाइम पे भी ऑब्वियसली इसका जो रिलेशन रहेगा ग्रीक के साथ वो मेंटेन रहेगा। अशोक के टाइम पे भी मिलता है, लेकिन अशोक के टाइम के बाद से फिर ये रिलेशन जो ग्रीक के साथ है वो खराब होना शुरू हो जाता है और ग्रीक का अटैक वापस से होना शुरू हो जाएगा। ये हम लोग आगे देखेंगे। बाहर में बहुत सारे जैसे शकाज हो गए, इसके अलावा पार्थियंस हो गए, तो बहुत सारे जो एक्सटर्नल फोर्सेज वो अल्टीमेटली इंडिया में अटैक करेंगे। चलिए खैर, तो ये हम लोगों ने बेसिकली देखा सिल्यूकस के साथ में जो भी अटैक हुआ। अच्छा, दूसरी हो गई डॉटर के साथ शादी। तीसरी जो होती है वो मेगास्थनीज को भेजता है और ये मेगास्थनीज एक फिलोसोफर रहता है और ये इंडिका लिखता है। इंडिका का मतलब ये हो गया कि ये बेसिकली देख रहा होता है इंडिया में व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन देयर एंड हाउ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री और किस तरीके से टैक्स एंड ऑल दैट सब चीजों के बारे में बेसिकली यहां पर बता रहा होता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी होती है सेल्यूकस की और जो चंद्रगुप्त के बीच में वॉर हुई रहती है। अगर इस थोड़ी सी इंडिका के बारे में हम लोग अगर चर्चा कर लें कि इंडिका में क्या क्या बेसिकली बताया गया है, तो यहां पर देख लीजिए इंडिका समटाइम्स क्वेश्चन में भी आ सकती है या इनफैक्ट आर्ट एंड कल्चर में आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से, या फिर आपको थोड़ी सी जानकारी भी होनी चाहिए। हिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जहां पर आपको हर एक चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जरूर पता होनी चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। ठीक है, अब यहां पर देखिए इंडिका में अगर बात करें तो बेसिकली तीन चीजों के बारे में बात की गई है। एक बात की गई है पॉलिटिकल ऑर्डर को लेकर के, दूसरा बात किया गया है सोशल ऑर्डर को लेकर के, और तीसरी बात की गई है इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, इनफैक्ट जितने भी बुक्स आपको मिलेंगे वो इन्हीं तीन ऑर्डर्स पे बेसिकली लिखे गए हैं। तो जो पॉलिटिकल ऑर्डर होती है यहां पर बताया गया है कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली सिक्स टीयर में टूटा हुआ था। तो ये सिक्स टीयर में था, सिक्स टीयर में अलग अलग टाइप के अलग अलग, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे भी आगे, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर रहता है मतलब सीटीओ रहते हैं, रिवेन्यू ऑफिसर्स रहते हैं और भी बहुत सारे सीता अध्यक्ष रहता है। इस सबके बारे में हम लोग अब जब इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो वहां पर बात करेंगे। थोड़े से नाम टिपिकल जरूर होंगे बट स्टिल हम लोग उस नाम में भी कुछ ना कुछ ऐसा खोज लेंगे जिससे हम इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप को समझ सकेंगे। इसके अलावा यहां पर जो इसकी आर्मी रहती है वो आर्मी भी अगेन सिक्स टीयर में डिवाइडेड रहती है। हर एक टायर का अपना एक कमांडर रहता है और अपना एक जो होता है कह लीजिए पोजिशन रहता है। अगर इसके रिवेन्यू मतलब कि इकोनॉमिक साइड में देखें तो इसका जो रिवेन्यू इन्होंने बताया है वो बताया है कि 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस ये रिवेन्यू लिया करते थे। इसके अलावा गोल्ड माइन के बारे में बताया गया है और ये जो गोल्ड माइन है वो कश्मीर में एक इलाका है दर्दिस्तान, यहां से निकाला जाता था। सोशियो इकोनॉमिक मतलब कि सोशल ऑर्डर में अगर बात करें तो यहां पर 7 टाइप ऑफ वर्णास के बारे में बताया गया है, 7 टाइप ऑफ वर्णास। तो बेसिकली हम लोग 4 टाइप ऑफ वर्ण सिस्टम के बारे में ही जानते हैं लेकिन यहां पर 7 टाइप ऑफ वर्ण के बारे में बताया गया। बहुत सारी चीजें हैं जैसे चांडाल वगैरह बोलना शुरू कर दिया गया था जो भी नॉनवेज खाता था, इस तरीके से डिवीजन और ज्यादा एक कह लीजिए कि बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा इस सिस्टम के अलावा दास सिस्टम के बारे में भी बताया गया है कि दास सिस्टम यहां पर हुआ था, प्रोस्टिट्यूशन भी यहां पर हो रही होती है। तो ये सब चीजें जो होती है बेसिकली सोशल ऑर्डर में होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? अच्छा, एक और चीज यहां पर ध्यान में रखिएगा कि इसने एक उत्तरा पथ बनवाया था, उत्तरा पथ, ठीक है, नाम है कह लीजिए कि ये नाउन है उत्तरा पथ। ये उत्तरा पथ इसने बनवाया था, इससे इसने सिंध इन द सेंस कि आज की डेट में जो पाकिस्तान का सिंध है इस सिंध को बेसिकली इसने बंगाल से जोड़ दिया था और ये इस रोड को और ज्यादा पक्का करवा दिया गया था, मतलब कि कह लीजिए कॉन्क्रीट करवा दिया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। आगे जाकर के शेर शाह सूरी आते हैं
मुगल्स के टाइम पे, और ये बेसिकली इस रोड को और कंक्रीट कर देता है और इसका नाम पड़ जाता है शेर शाह सूरी रोड। हालांकि बाद में जब ब्रिटिश गवर्नर आते हैं ऑकलैंड, उन्होंने इनका नाम रख देता है जीटी रोड, और इस तरीके से ग्रैंड ट्रंक रोड ये बन जाता है। क्योंकि ग्रैंड ट्रंक रोड एक्चुअली क्या है, ये उत्तर पथ ही है, इसे कोई और चीज नहीं, उत्तर पथ ही है, बस इसको कनेक्टिविटी और मेंटेन कर दिया गया था इस ऑकलैंड के द्वारा। बात करेंगे आगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द कनेक्शंस, कनेक्शंस को आप देखते रहेंगे, चीजें समझ में भी आएंगी और याद भी हो जाएंगी। तो चंद्रगुप्त के बारे में वापस से जरा आते हैं, इस मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में हम लोग जान लिया, आते हैं जरा वापस से चंद्रगुप्त के बारे में। तो दे मूव्ड ईस्टवर्ड टू मगध एंड इन अ सीरीज ऑफ बैटल ही डिफीटेड धनानंद एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मौर्य एम्पायर। इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है सब चीजें। अच्छा, इसके अलावा 305 BC में जब सेल्यूकस निकेटर आता है तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में वॉर होती है, वॉर के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है और बलूचिस्तान का एरिया और आसपास के जितने भी एरिया रहते हैं वो ले लेता है, और अल्टीमेटली 500 एलिफेंट्स सेल्यूकस को दे देता है, और इस तरीके से दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हो जाती है और फिर मेगास्थनीज आ ही जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल देख लिया। चंद्रगुप्त ने एक पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड ब्रॉट अंडर वन कंट्रोल्ड, मतलब कि होता क्या है अगर कलिंग और साउथ इंडिया के कुछ प्लेसेस को छोड़ देते, पूरा का पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम में इसने बदल दिया था। ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेलियर का भी आगे जाकर के एक सिस्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रगुप्त चलो ठीक है अच्छा खासा जो होता है सेंट्रलाइज सिस्टम कंट्रोल करके रखा हुआ है, आगे बिंदुसार आता है उसने भी कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन इसके आगे जब आगे बढ़ता है अशोक के टाइम पे हालांकि टेरिटरी और एक्सपैंड कर देता है, बट जब एरिया काफी बड़ा हो जाता है और जो एम्पायर होता है जो भी रूलर है वो अगर वो स्ट्रांग नहीं होता है तो जो भी बाहर के पोर्शंस होते हैं मतलब सेंट्रल के पेरिफेरी के एरिया जो होते हैं उस पेरिफेरी के एरिया वाले लोग बिकॉज ऑफ द लूज एडमिनिस्ट्रेशन वो स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते हैं, स्वतंत्र इन द सेंस कि वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी के फॉर्मेट में फिर निकल के आना शुरू कर देते हैं। क्लियर हो गया। और ये जो इनकी टेरिटरी इनका जो कह लीजिए कि टाइम पीरियड था वो 321 BC से 297 BC तक के बीच में हो जाता है। He abdicated throne in favor of son Bindusar and went to Karnataka again। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से ध्यान से सुनेगा यहाँ पर क्या होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जब अपने लास्ट स्टेज में रहता है, लास्ट स्टेज का मतलब कि जब ये अपने मतलब बूढ़ा हो जाता है, तब ये चला जाता है एक कह लीजिए कि जैन फॉलोअर रहते हैं भद्रबाहु, इस भद्रबाहु के साथ ये चला जाता है और फिर यहां से इनसे एजुकेशन ले रहा होता है, मतलब जैन के बारे में जानकारी पता पा रहा होता है। चंद्रगुप्त मौर्य चला जाता है फिर कर्नाटक में, कर्नाटक में वहां पर एक जगह है श्रवण बेला गांव, यहां पर देखिए लिखा हो गया है श्रवण बेला गांव, यहां चला जाता है तो राज्य किसको दे देगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दे देता है सिंहसेन को। एंड व्हाट इज दिस सिंहसेन, सिंहसेन ही का दूसरा नाम है बिंदुसार। तो सिंहसेन को या बिंदुसार को दे करके एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेटली चला जाता है वो श्रवण बेला गांव, यहां की पहाड़ियों में जो कि आज की डेट में नीलगिरी हिल्स के अंतर्गत आता है, और ये बेसिकली वहां पर संलेखना सिस्टम से, संलेखना का मतलब बिना खाए पिए अपने मतलब कि सुसाइड कर लेना एक तरीके से, तो ये संलेखना सिस्टम से ये बेसिकली अपना जो होता है वो शरीर त्याग कर देता है। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी खत्म होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की दो शादियां हुई रहती है, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिएगा, एक तो हेलेना के साथ हुई ही हुई है लेकिन इसके साथ वाला जो होता है वो रूलर नहीं बनाया जाता है, दूसरी जो शादी हुई रहती है वो रहती है दुधारा के साथ में, दुर्धारा, और इनके इनसे जो सन रहता है इनका जो बेटा रहता है उसका नाम ही रहता है सिंहसेन या फिर बिंदुसार, और इस तरीके से आगे बिंदुसार की एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। बिंदुसार के अगेन बिंदुसार जैसे क्या होता है ना, थोड़ा सा ये कह लीजिए कि लेजी टाइप का रहता है, लेजी इन द सेंस कि ये बाहर की जो ऐशो आराम वाली चीजें होती हैं उन पर ये ज्यादा फोकस करता है। कैसे करता है अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। इसका दूसरे जो नाम है उसके बारे में भी जान लीजिए कि इसको सिंहसेन बोला गया था, अभी हम लोगों ने देखा था सिंहसेन इनका नाम था, और इनकी जो दूसरी मदर है मतलब कि कह लीजिए कि जो सौतेली माँ एक तरीके से है, तो वो जो मदर थी बेसिकली वो ऑब्वियसली ग्रीक की है, तो कुछ ग्रीक नाम भी इनका पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इनका ग्रीक नाम जो पड़ता है वो एलिट्रोकेट्स पड़ता है, दिस इज एलिटोक्रेट्स, या इसी तरीके से इनका नाम पड़ता है एमिट्रोकेट्स, ठीक है। तो अमित्र नाम से अगर कोई भी चीज दिखे आपको, दिस इज
मित्र, अमित्रोकेट्स हो गया, अमित्रोचट्स हो गया, अमित्रोकेडीज हो गया, ये सारा का सारा ग्रीक नाम इन्हीं बिंदुसार साहब का ही रहता है। इसके अलावा एक और है वायु पुराण, दिस इज वायु पुराण। पुराण टोटल 18 होते हैं, उस 18 में से एक पुराण जो है वो वायु पुराण है। इस वायु पुराण में इनका नाम भद्रासार बोला गया है, भद्रासार। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो इनके नाम के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली क्या क्या इनका नाम है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा एक चीज सिस्टम समझने की जरूरत है, और वो ये सिस्टम समझने की जरूरत है कि मान लेते हैं कि इंडिया है। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली ये जो छोटा सा इलाका कलिंग का था, दिस वॉज द कलिंग, और साउथ के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो पूरा इलाका अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ था। राजधानी कहाँ है? राजधानी या पाटलिपुत्र में। कब ये राजधानी बनी थी? अच्छा, एक चीज और पाटलिपुत्र पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पाटलिपुत्र को बनवाया किसने था? पाटलिपुत्र को बनवाया था उदयन ने। ये आपको पता है कि नहीं? उदयन ने बनवाया हुआ था, हर्यक डायनेस्टी वाला उदयन। फिर अल्टीमेटली इसकी जो राजधानी पाटलिपुत्र रहती है उसे वापस से पाटलिपुत्र कर देने का काम काकवर्ण किया रहता है, शिशुनाग डायनेस्टी वाला। तो काकवर्ण या फिर काक जो भी रहता है वो पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बना करके रखा रहता है, और वही कैपिटल फिर कंटिन्यू रहती है। तो अगेन धनानंद, उसकी भी कैपिटल पाटलिपुत्र ही रहती है, और यहां पर जब अटैक किया रहता है, मगध पर जब अटैक करता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसने भी अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र ही रहने देता है। बिंदुसार के टाइम पर भी अगेन पाटलिपुत्र ही राजधानी बनी रहती है। तो दिस इज द पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल बनी हुई है। बिंदुसार अभी मैंने बताया कि ये लेजी टाइप का है, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा एरिया कंट्रोल कर पाना इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसने क्या किया था, अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ दिया था। फॉर्मेट में तोड़ देने का मतलब गवर्नर सिस्टम इसने लगा दिया था। इस गवर्नर सिस्टम में इसने क्या किया था कि यहां का जो इलाका है दिस इज मालवा, और यहां का इलाका जो उज्जैन है, ये दोनों के दोनों बेसिकली यहां पर गवर्नर बना दिया था अशोक को। अशोक इसका लड़का था, अशोक को इसने बना दिया था। अच्छा, ये जो बिंदुसार है इसकी भी अगेन बहुत सारी शादियां हुई थी। इस बहुत सारी शादियों में इसके ऐसा कहा जाता है कि 100 बेटे थे इसके, ठीक है। और इसमें इनफैक्ट अगर कुछ वाइफ का नाम मैं बताऊं तो शुभद्रांगी, दिस इज शुभद्रांगी एक वाइफ का नाम था, और इस वाइफ से बेसिकली जो होता है अशोक पैदा हुआ था। इसके अलावा एक धम्म थी, धम्म। इसके अलावा परसादिका एक वाइफ थी, परसादिका। हालांकि देखिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ शुभद्रांगी याद रखिएगा, क्योंकि ये जो होता है अशोक की मदर थी। तो अशोक को दे देता है। अशोक का जो दूसरा भाई रहता है उसका नाम रहता है सुसीम। सुसीम को दे देता है तक्षशिला। तक्षशिला का मतलब गांधार, और यहाँ पे सुसीम को दे देता है। सुसीम जो रहता है वो अशोक से बड़ा रहता है, ठीक है। सुसीम लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबल ना होने के कारण ऑब्वियसली इसके इलाके में जो आसपास की पब्लिक थी वो एक ऑपरेशन शो कर देती है। इस ऑपरेशन को दबाने के लिए बिंदुसार अशोक का कहता है कि जाओ भाई तुम ही देखो क्या सिस्टम वहां पर चल रहा है। अशोक जाता है और अल्टीमेटली वहां के सारे सिस्टम को नॉर्मलाइज कर देता है। इस तरीके से अशोक को एक आइडिया लगता है कि यार आई कैन रूल द होल एम्पायर, वाई शुड आई गिव एनी एरिया टू माई ब्रदर्स। तो इस तरीके से ये क्या करता है, अपने जितने भी 99 ब्रदर्स हैं उनको मार देता है, ऐसा कहा जाता है। दिस इज नॉट ट्रू ऑल्सो, मतलब इस पर कोई कमेंट आप नहीं कर सकते हैं कि ये सही है गलत है क्या चीज है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिस्टम मिलता है। जैसे ये क्या है कि अभी हम लोग बात करेंगे रॉक एडिक्ट के बारे में। रॉक एडिक्ट में फिफ्थ नंबर जो रॉक एडिक्ट है उस पर इसने अपने ब्रदर्स और उसकी फैमिलीज के बारे में बताया हुआ है। ऑब्वियसली उसकी फैमिली के बारे में बताया, दैट मीन्स कि उसने अपने ब्रदर्स को मारा तो नहीं है, कुछ ना कुछ जो होता है वो सिस्टम रहा होगा। बट अगेन जो होते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंसेस हम लोग इसको मानते हैं कि उसने मारा है या नहीं मारा है। दिस इज अगेन अ पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी हियर। चले खैर, तो यहां पर अगर बात किया जाए तो सन ऑफ द चंद्रगुप्त बिंदुसार रहता है, वो 297 BC टू 273 BC में मतलब रूल किया रहता है। ऑल्सो कॉल्ड एज अमृत, यह भी हम लोगों ने बात किया है इन सारे के नाम ग्रीक नाम्स के बारे में। अच्छा, यहां पर एक स्टोरी अगेन है, वो भी फिर से आपको ध्यान में देना चाहिए। आपको पता है कि यहां पर जो है रूल करने वाला है बिंदुसार, चाहे वो खुद करे, चाहे वो अपने बेटों से करवाए, चाहे किसी भी करवाए, क्या करना है उसको। तो इस तरीके से वो बेसिकली रूल कर रहा होता है। बिंदुसार का रिलेशन रहता है ग्रीक्स के साथ भी, ये भी आपको पता है ग्रीक्स के साथ में इसका रिलेशन रहता है। तो बिंदुसार के टाइम पर जो ग्रीक रूलर रहता है उसका नाम रहता है एंटियोकस, दिस इज एंटियोकस वन। और इसी ग्रीक के साथ में जो इजिप्ट का राजा रहता है, इजिप्ट का जो रूलर रहता है उसका नाम रहता है टॉलमी,
दिस इज टॉलमी सेकेंड, टॉलमी जो होता है ज्योग्राफर भी था, तो खैर ये टॉलमी सेकेंड है जो कि इजिप्ट का राजा है। ऑब्वियसली ये भी चाहेगा किसी तरीके से इंडिया के साथ में रिलेशन मेंटेन रहे, और ग्रीक भी रिलेशन मेंटेन करके रखे थे, क्यों, क्योंकि ये जो था वो इंडिया काफी प्रॉस्परस था और इस प्रॉस्पेरिटी का थोड़ा मोड़ा चंदा इनको भी मिलता रहे, इस वजह से ये लोग रिलेशन मेंटेन करके रखना चाहते थे। मतलब यू कैन कंसीडर इंडिया एज अ यूएस ऑफ प्रेजेंट टाइम, ठीक है, जिसके साथ में सब रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं। तो बिंदुसार क्या करता है भाई, सीधी सी बात है, ऐशो आराम वाली चीजें चाहता है, तो ये क्या करता है, एंटियोकस से कुछ मंगाता है, डिमांड करता है, कहता है कि मुझे वाइन चाहिए, इसके अलावा जो अंजीर होती है वो चाहिए, और साथ में एक फिलोसोफर चाहिए। तो एंटियोकस साहब वाइन तो भेज देते हैं लेकिन फिलोसोफर नहीं भेजते हैं। फिलोसोफर कहते हैं कि भाई सीधी सी बात है, वो अपने मन मर्जी का मालिक है, एंड वी डू नॉट हैव स्लेवरी इन आवर कंट्री। तो ये जब सिस्टम सुनता है तो बिंदुसार अल्टीमेटली फिर कहता है कि नहीं, मुझे एक मतलब फिलोसोफर चाहिए। तो फिलोसोफर के बारे में जब पता चलता है तो इजिप्ट और एंटियोकस दोनों अपना अपना एक जो है फिलोसोफर भेज देते हैं। जो एंटियोकस भेजता रहा है उसका नाम रहता है डायमेकस, देख सकते हैं आप, तो डायमेकस भेजता है, और जो इजिप्शियन से जो फिलोसोफर आता है उसका नाम रहता है डायनोशियस। तो दिस इज बेसिकली डायनोशियस। तो दो बेसिकली फिलोसोफर्स आते हैं बिंदुसार के टाइम पीरियड में, और डायमेकस और डायमेशियस ये दो थे। तो ही अपॉइंटेड असन अशोक को, पता ही है कि उज्जैन और मालवा का दे देता है, और सीसम को दे देता है आपका जो तक्षशिला का एरिया रहता है। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा बेसिकली क्या चीज। अच्छा एक चीज और अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, चाणक्य, चाणक्य जो होता है इनका कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर टाइप का था, जो कि इनको लगातार जो होता है वो हेल्प कर रहा होता था। तो चाणक्य ऑब्वियसली अशोक उसके चंद्रगुप्त मौर्य के भी टाइम पे है, फिर बिंदुसार के टाइम पे है, बूढ़ा नहीं होगा क्या, तो ऑब्वियसली ये बूढ़ा हो जाता है। तो अब एक नए पीएम की जरूरत थी, तो नए पीएम जो होता है वो एक ध्यान रखिएगा इसका इलेक्शन हो रहा होता था, तो पीएम के नाम पे बन रहे होते हैं खल्लाटक। तो खल्लाटक जो है, खल्लाटक बन जाते हैं नए पीएम, और इनके बाद में बनते हैं राधा गुप्त। तो इस तरीके से बेसिकली, तो आप याद कर सकते हैं, दिस इज खलनायक, खलनायक के नाम से खल्लाटक याद कर सकते हैं, फिर राधा गुप्त याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है। चलिए खैर, तो इसके बाद से नेक्स्ट आता है अशोक। अशोक जो है वो एक रूलर के रूप में निकल के आता है, जो कि हालांकि गवर्नर रहता है उस टाइम का, किस टाइम का, बिंदुसार के टाइम का। तो गवर्नर रहता है कहां का, मालवा का रहता है, और साथ ही साथ ये रहता है उज्जैन का, ठीक है, तो उज्जैन और मालवा का ये राजा रहता है। अगर इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी के बारे में बात करें अशोक के, तो जितनी भी जानकारियां हमें मिलती हैं वो अगेन लिटरेचर्स से ही हमें मिलते हैं, और ये मिलती है दिव्य वदन से, दिव्य वदन जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। इनफैक्ट इनकी मदर सुभद्रांगी है, ये भी हमें पता चलता है इसी दिव्य वदन से ही। तो सन ऑफ मौर्यन एम्परर बिंदुसार एंड सुभद्रांगी, ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। हिज अदर नेम क्या है, देवनाम प्रिय है, देवनाम प्रिय और पियदासी, ये दोनों के दोनों हमें रॉक एडिक्ट से पता चलता है। और रॉक एडिक्ट भी भाब्रू एक एडिक्ट है, हम लोग आगे बात करेंगे, दिस इज भाब्रू रॉक एडिक्ट, यहां से पता चलता है इसका ये बाकी के जो दूसरे दूसरे नाम है। ही कंसीडर्ड एज द इंडियाज ग्रेटेस्ट एम्परर, ही वॉज बॉर्न इन 304। अच्छा यहां पर एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि जितनी भी टेरिटरी है, ऑब्वियसली वो टेरिटरी तो इनको मिली गई होगी, इसके साथ में कलिंग का वॉर भी कर देता है और कलिंग को भी अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है। हिजरीन लास्टेड फॉर 268 टू 332 BC। अगेन यहां पर एक चीज समझने वाली है कि अभी हम लोगों ने देखा बिंदुसार का जो टाइम पीरियड था वो 273 BC था, 273 BC पे इनकी डेथ हो गई थी, और 268 BC पर ये कोरोनेशन हो रहा है इनका, यानी कि बीच में ये जो 5 ईयर है ये क्या है, एक्चुअल में 5 ईयर जो था उस बीच में कौन राजा बनेगा इसको लेकर के एक कंपटीशन हो रही थी, आपस में एक कह लीजिए कि सिस्टम जो था वो सिविल वॉर टाइप का था कि कौन राजा बनेगा, और इसको लेकर के अल्टीमेटली अशोक जो रहता है वो बाकी लोगों को चाहे भगा देता है, चाहे मार देता है, चाहे जो भी कर देता है, अल्टीमेटली वो एम्परर बन जाता है। एट इट्स जेनिथ अशोकाज एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम अफगानिस्तान इन द वेस्ट टू बांग्लादेश इन द ईस्ट एंड कवर्ड ऑलमोस्ट होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट केरल एंड तमिलनाडु, ठीक है, क्योंकि साउथ में जैसे क्या है संगम के टाइम पीरियड माना जाता है, और यहाँ पर चोल चेर पांडे ये सब डेवलप हो गए थे, लेकिन ये डेवलप हुए थे बहुत बाद में, इनफैक्ट थर्ड सेंचुरी AD से ये स्टार्ट होता है। तो हम लोग इनके बारे में भी आगे बात करेंगे जब साउथ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो अशोका बिल्ड
many relic all over the India, including the present day Nepal and Pakistan. In fact, Nepal में इसने नया एक शहर भी बनवाया था, सिटी बनवाई थी, जिसका नाम इन्होंने रखा था देवपत्तम. देखेंगे क्या चीज है. इसके जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र एंड हैड प्रोविंसेस एट तक्षशिला एंड उज्जैन. इसने भी क्या किया था, अलग अलग प्रोविंसेस की कैपिटल्स बना के रखे थे, सो दैट एक एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो काफी सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में रहे, अलग अलग टूटने ना पाए. क्योंकि सीधी सी बात है, हम लोगों ने देखा ही था कि जैसे ही अगर रूलर थोड़ा वीक होता है तो उसके जो पेरिफेरी वाले स्टेट्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंस घोषित करना शुरू कर देते हैं. अशोक वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ बिंदुसार एंड सो वॉज नॉट द हियर प्रेजेंटेड. तो बिंदुसार वॉन्टेड हिज सन सुसीम टू बी क्राउन द नेक्स्ट किंग, लेकिन अगेन वही उसको मार देता है. अशोक वॉज ट्रेन इन मिलिट्री एंड वेपन्स एंड showed great skills as an administrator when he was made the governor of Ujjain. Again, मैंने बोला कि वो गया हुआ था तक्षशिला में और वहाँ पर control किया था जो भी operation हुई थी. In the war of succession, he followed Bindusar's death in 272 BC. Ashoka emerged victorious, aided by his father's ministerials. When he became the king, he was said to be bad-tempered, ruthless, or very cruel. In fact, इसने एक torture chamber भी बनवा के रखा था जहाँ पर basically torture किया करता था. Once he became king, ये फिर अपने वही टेरिटरी को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया. कलिंग का पहले वॉर लड़ा, कलिंग का जब वॉर लड़ा तो यहां पर इसकी जो माइंड था वो चेंज होना शुरू हुआ. इस सिस्टम में क्या हुआ, पहले तो ये समझ लीजिए कि कलिंग को उसने लड़ा क्यों, कलिंग क्यों लड़ा. सबसे पहला काम कलिंग को क्यों लड़ा, क्योंकि वो सिक्योरिटी चाहता था चारों ओर से, ठीक है. दूसरा, इसने ट्रेड को बढ़ाने के लिए इसको नेवल पावर पे कब्जा करना था. तो नेवल पावर पे कब्जा कब कर पाएगा, जब कलिंग को भी अपने कब्जे में ले लेगा. तीसरा, साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं जैसे मलाया हो गया, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, जो कि बाहर मतलब आज के डेट में मलेशिया इंडोनेशिया बोल सकते हैं, वो उसके साथ में रिलेशन को मेंटेन करने के लिए. इसके अलावा आपको पता ही है एलिफेंट जो है काफी ज्यादा फेमस थे कहां के, कलिंग के, तो उनको भी अगेन लेना चाहता था, इस वजह से इसने अटैक किया. यहां पर जो मगध है या फिर कह लीजिए कि बाकी इंडिया का एम्पायर है उसका तो राजा अशोक है, तो कलिंग का राजा कौन रहता है, कलिंग का राजा रहता है, उसका नाम रहता है नंद राज. ऑब्वियसली दोनों के बीच में अटैक होगा, दोनों आपस में लड़ेंगे मरेंगे और अल्टीमेटली जो होता है ये पूरी की पूरी जो कई लोग मारे जाते हैं यहां पर, और अंत में ये रहता है कि अशोक जो होता है वो जीत तो जाता है लेकिन काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं. और यहीं पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क आता है, ये बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम रहता है उपगुप्त. दिस इज उपगुप्त. ये कहता है अशोक कि भाई तुमने ये सब क्या कर दिया है, इतने सारे लोगों को मार वार दिया. तो यहां से अशोक का माइंड चेंज हो जाता है और इस माइंड चेंज के कारण अल्टीमेटली फिर वो फिर जितने भी वॉर्स हैं उन सब से कह देता है कि भाई अब हम वॉर नहीं लड़ेंगे, मैं यहां से जो होता है वो अब संन्यास लेता हूं, अब मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगा. लेकिन हाँ, उसने फिर जो होता है धर्म को, मतलब कि जो कह लीजिए कि जो होता है धम्म है, उसको फिर स्प्रेड करने पर आ गया. अल्टीमेटली उसने जो होता है अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया. तो यहां पर बेसिकली तीन मॉन्क है जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है, जो बेसिकली इस अशोक के पूरे टाइम पीरियड में आए हैं. जैसे एक है जिनका नाम है उपगुप्त, उपगुप्त के बाद दूसरे एक और बुद्धिस्ट मॉन्क है जिनका नाम है निग्रोथ, और तीसरे एक और बुद्धिस्ट मॉन्क है जिनका नाम है मोगल्ली पुत्त तिस. ये तीन लोग हैं. उपगुप्त वो हैं जो कलिंग के जब वॉर हुआ था उसके बाद से अशोक को कह लीजिए कि एक बार जो होता है टीचिंग्स दिए कि भाई तुमने ये क्या काम कर दिया, एक तरीके से कोसे थे एक तरीके से उसको कि यार तुमने क्या कर दिया, ये सब इतना बड़ा लोगों को मारपीट दिया है. निग्रोथ वो बंदे थे जिन्होंने कह लीजिए कि जो होता है टीचिंग्स दी थी, किसकी, बुद्धिज्म की टीचिंग्स दी थी. ये इन्होंने जो होता है ट्रेनिंग कराया, इन्होंने क्या, इन्होंने बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट बनाया है, कन्वर्जन करवाया है, ठीक है. तो ये बेसिकली तीनों लोगों के बारे में आप नाम समझ गए हैं कि कौन कौन लोगों ने क्या क्या किया था. द बैटल ऑफ कलिंगा फॉट इन 265 BC वॉज पर्सनली लेड बाई अशोक एंड वॉज एबल टू वैंकिश द कलिंगा. होल सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड एंड मोर देन 100,000 पीपल वर किल्ड इन द वॉर. द हॉरर ऑफ वॉर डिस्टर्ब हिम सो मच दैट ही डिसाइडेड टू शन वायलेंस फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड टर्न टू बुद्धिज्म. अशोक के जो 13, एक मिनट इसको रिलीज कर देता हूँ, 13 रॉक एडिक्ट, जैसे 14 रॉक एडिक्ट है उसमें से 13वें में इसने कलिंग वॉर के बारे में बात किया. हम लोग देखेंगे आगे क्या चीज है, याद करने की आपको इससे जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा आगे, बहुत ही छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा और स्टोरी के बारे में आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी.
ही बिकेम नाउ धर्माशोक, क्यों? क्योंकि धर्म के साथ में आ गया, तो धर्माशोक बन चुका था वो चंद्रशोक से। इन अबाउट 263 BC अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, मुगाली पुत्र तिस अ बुद्धिस्ट मॉन्क बिकेम हिज मेंटर। मैंने बताया जो आप लोगों को कि इस तरीके से क्या क्या चीजें इसने किया है। अशोका इवन कंडक्टेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी अजात शत्रु के टाइम पर 483 BC में। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक ने करवाई थी 383 BC में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में अशोक ने करवाई। आइडिया लग गया क्या चीज है? तो इस तरीके से उसने एक काउंसिल करवाई थी। अशोक के धम्म पॉलिसी के बारे में देख लीजिए कि इसने जो होता है एक आइडिया ऑफ पैटर्नल किंगशिप लगाया। ही रिगार्डेड ऑल सब्जेक्ट टू द चिल्ड्रन एंड बिलीव द किंग्स ड्यूटी टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट थ्रू हिज एडिक्ट्स। इसके 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, 7 पिलर्स हैं, इसके अलावा छोटे मोटे और भी बहुत सारे एडिक्ट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे, केव्स के बारे में देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ही सेड एवरीबॉडी शुड सर्व पैटर्न्स रिवर टीचर्स एंड प्रैक्टिस अहिंसा एंड ट्रूथफुलनेस। ही आस्क्ड एवरीवन टू अवॉइड एनिमल स्लॉटर एंड सेक्रीफाइसेस। और ये बेसिकली इसके फर्स्ट रॉक एडिक्ट में लिखा भी हुआ है, इसको हम लोग आगे देखेंगे क्या चीज है। He expounded human treatment of animal, servant and prisoners. He advocated tolerance towards all religion. He sought conquest through dham and not war. He sent missionaries to spread the Buddhism. इसने अपने डॉटर और अपने बेटे महिंद्रा और डॉटर संगमित्रा को बेसिकली भेजा था। तो देखिए इसने क्या है कि अशोका ने बहुत सारी शादियां भी की हुई थी, जैसे बहुत सारे इसके नाम थे, जैसे एक थी जिसका नाम देवी था, उसी के तरीके से एक महादेवी थी, महादेवी, इसी तरीके से और भी बहुत सारे वाइफ थी, जैसे कुछ का नाम मैं बता देता हूं, जैसे तिश रक्षिता। अगेन देखिए नाम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन ध्यान में रखने वाली चीज है, तिश रक्षिता हो गया। इसके अलावा अगेन पद्मावती, देखिए पद्मावती बहुत सारी पद्मावती हैं, ऐसा मत कंफ्यूज होइएगा कि अजातशत्रु वाली भी पद्मावती हो गई, फिर जो वासदत्ता वाली हो गई, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी पद्मावतीज आर देयर इन द हिस्ट्री, पद्मावती हो गई, ठीक है, तो बहुत सारी इसकी वाइफ्स हैं। और इसके अगर बच्चों के बारे में बात किया जाए तो महेंद्र और संगमित्रा के बारे में तो पता ही चल गया। इसके अलावा इसके और भी बच्चे थे, जैसे एक हो गया जिसका नाम था आलोक या फिर कुणाल, ठीक है, इसके अलावा तीवर, इसके अलावा चारुमित्र, ठीक है, तो बहुत सारे और भी इसके बच्चे थे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ हिज एडिक्ट्स आर रिटन इन पाली। अच्छा, अगेन एक चीज ध्यान में रखने वाली है, देखिए एक है बुद्धिज्म, दूसरी है जैनिज्म। जो बुद्धिज्म है इसकी जो लैंग्वेज है वो बेसिकली पाली है। ये हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, स्क्रिप्ट नहीं। स्क्रिप्ट जो होती है समथिंग डिफरेंट, स्क्रिप्ट जो है उस समय ब्राह्मी चल रही थी, ठीक है, तो ब्राह्मी में ही लिखी जानी है, बट द लैंग्वेज विल बी यूज्ड एज पाली। और जैन जैसे ही आ जाएगा वैसे ही प्राकृत आ जाएगी, यानी कि बुद्ध, मतलब कि जितने भी बुद्धिस्ट साइट्स होंगी वहां पर हमें पाली में देखने को मिलेगा, और जहां पर भी जैन साइट्स होंगी वहां पे हमें प्राकृत में चीजें देखने को मिलेंगी। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो अगेन ये ध्यान में रखने वाली चीज है थोड़ी मोड़ी, ताकि हम लोग एक आइडिया ले लेंगे इससे एक्चुअली। इसके अलावा ये पता है कि ये इंडिया का पार्ट है, इस इंडिया के पार्ट में आपको पता है कि जो ग्रीक्स थे वो अरामिक स्क्रिप्ट लिखते थे, और अरामिक और ब्राह्मी ये दोनों मिली, और मिली तो क्या बना, एक नई स्क्रिप्ट जिसका नाम था खरोष्ठी, इसके बारे में लोगों ने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में इसने अलग अलग रॉक एडिक्ट्स बनवाए थे। बाकी इसके पास सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अशोक है, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के कह लीजिए स्रोत मिलते हैं, जैसे बुद्धिस्ट सोर्सेज हो गए, दिव्य वदान के बारे में बात किया, महाबोधि वंश के बारे में बात किया, अशोक के एडिक्ट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसके अलावा जेम्स प्रिंसिप थे जो इस पूरे के पूरे जो एडिक्ट्स है उसको इन्होंने डेसिफर किया था, और इस तरीके से हमें चीजें पता चलती हैं। अशोका वदन हो गई, ये भी लिखी गई थी, दीपा वदन हो गई, और महावामसा हो गई, इन सब के बारे में अगेन हमें चीजें पता चलती हैं। तो हम लोग फिलहाल इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मौर्य के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, और उसके बाद से इससे रिलेटेड जो आर्ट एंड कल्चर है, जो रॉक एडिक्ट्स हैं, और जितनी भी चीजें उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।